ओम नमः शिवाय। दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि शिवलिंग के पास जो रोजाना शाम को दीपक जलाते हैं उन्हें उस दीपक जलाने के क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों भोलेनाथ की पूजा यदि मन से की जाए तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवों के देव महादेव की पसंद भी बाकी देवताओं से अलग है। उन्हें वनस्पतियों से सबसे ज़्यादा प्यार है, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी का पत्ता, गंगा जल, गन्ने का रस इत्यादि। इसके साथ ही शिव जी के सामने दीपक जलाने से भी वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में शिव जी के सामने दीपक जलाने का अलग महत्व बताया गया। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर घी का दीपक जलाता है तो वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। अगर कोई लकड़ी से बने दीपक में घी डालकर जलाता है तो उसके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा बनी रहती है, वो विशेष कृपा सैकड़ों वर्ष तक बनी रहती है। वहीं अगर कोई महिला या पुरुष कार्तिक के महीने में शिव जी के सामने दीपक जलाता है तो वह स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। शिव जी का स्वभाव बहुत ही दयालु है, वह अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही उनके सारे कष्टों को दूर भी कर देते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि जो लोग नियमित शिवलिंग के पास दीपक जलाते हैं उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और आपने एक कथा के अनुसार सुना भी होगा कि प्राचीन काल में गुणनिधि नामक एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। वह भोजन की तलाश में बाहर निकला हुआ था और तब रात हो गई और वह जाकर शिव मंदिर में विश्राम करने लग गया। तभी वहां पर जलता हुआ दीपक बुझ गया। तब उसने उस अंधकार को दूर करने के लिए शिव मंदिर में अपनी कमीज जला दी थी। रात्रि के समय भगवान शिव के पास प्रकाश करने के फलस्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं की कोषाध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाता है उसके जीवन से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं दीपक के बगैर हर एक शुभ काम, हर एक पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उसका अच्छा फल आपको नहीं मिलता, कहीं नौकरी, कहीं व्यापार, कहीं शिक्षा, कहीं बीमारी आदि परेशानियाँ लगी ही रहती हैं, शंकर भगवान के मंदिर में नियमित दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। अगर किसी कारणवश आप शिव मंदिर में दीपक नहीं जला पाते तो बेलपत्र पेड़ के नीचे ही दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसके बाद अपनी मनोकामना को मन ही मन बोलते हुए दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे एक हफ्ते भी नहीं बीतेंगे कैसे आपके जीवन में नए नए बदलाव आ जाएंगे। बस आप उपाय तो कीजिए, मेरे देवाधि महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। धन्यवाद।